ये एजुकेशनल SC ST OBC के रिप्रेजेंटेटिव्स हंगर स्ट्राइक पर सम्मानित हमारे छात्र और छात्राओं, और अभी आपके बीच में सम्मानित विनोद सोनकर जी जो कौशाम्बी से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी टीम में मैं भी एक सिपाही के रूप में हूँ। रमेश चंद रत्न मेरा नाम है, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हूँ, जिसकी फटी ने बिभाई वो क्या जाने पीर पर आई। हम लोग आपके ही परिवार का एक हिस्सा है, हम लोग यहीं से चल करके और उस मंजिल तक पहुंचे हैं। लेकिन आपको ये बता देना चाह रहा हूं, इस देश में हूण आए, इस देश में सोण आए, इस देश में मुगल आए। जो इस देश की तकदीर लिखने वाले थे, जो इस देश की तामीरात बनाने वाले थे, जो मेहनत कश थे, जिस लोगों ने जिस आज जो बिल्डिंग में बैठे हो, ये बनाने, ये जमीन से लेकर के पाताल तक खोदने वाले, बनाने वाले, चलने वाले, ये वर्ग है, ये तबका है। वेद व्यास ने लिखा, ग्रंथ वाल्मीकि ने लिखा, संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, चौथा तो किसी माँ की कोख में कोई पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए आप महान कर्मठ है, महान योद्धा है, महान वीर सपूतों की संतान है। लेकिन बदकिस्मती है, हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है। 1953 में कालका कालेकर आयोग आए और देश में सर्वे हुआ, और हूण सूण मिगलों ने जो हमसे घिनौने कर्म कराए और हमारी सीने पर जात थोंक दी, और हम आज उसी जात से अब भ्रंश किए जाते हैं। लेकिन मैं देश के साथियों से बताने चाह रहा हूं, आपके वंश से भी, अरे हम तो वो हैं, हमने जात तुम्हारे पूर्वजों ने स्वीकार कर ली, लेकिन हमने इस देश की अस्मिता और धर्म बदलने का काम हमने नहीं किया। असली छत्री तो हम है, लेकिन बदकिस्मती है, हमको संविधान हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने कार्य का 2 साल 11 महीने 18 दिन जिस संविधान को संजोने में लगे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने हकों की हमको संजो करके दिया। लेकिन कुछ नकारे जगह जगह बैठे हैं, वो हमारी अस्मिता से उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। ये एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, ये तीन जो नारे हैं, ये पहले नारे को झपटने का UGC में ये दखलंदाजी है। हम आपको उतना ही बताना चाहते हैं कि जो छात्रों के बीच में है, राजनीतिक बच्चे जो, लेकिन क्योंकि राजनीतिक स्वरूप तो पैदा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय बीच बीके नो पिन लेट डोर, बिना उसके ताले नहीं खुलते। मैं तो आपसे यही कहना चाह रहा हूं, हम चिंतित हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा, हम कल भी बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय प्लान बना रहे थे कि एक तो ये UGC वाला मामला है, राजकुमार फुलवारिया जो अपने महामंत्री हैं, प्रोफेसर भी हैं, हम बड़ा गंभीर चिंतित डिस्कशन कर रहे थे। और भी बता दें, एक सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग भी नई आ गई है, दिन प्रतिदिन हमको कैसे रौंदा जाए, हम अच्छे कपड़े न पहन पाए, हमारे चेहरे के रंग न खिल पाए, बड़ी विषमता है। अरे मैं तो कहता हूँ, अगर देश के कोने कोने में माँ की कोख से बच्चा पैदा होता है, तो ये दाई और माई का रूप ये वर्ग ही निभाता है। अगर इस वर्ग ने पैदा सोच लिया कि जाने वाले महलों में तालों बैठने वाले लोगों, हमारे शब्द लेखों में अभिलेखों में अगर द्वंद्वी करोगे, तो हमारी माई पैदा होते समय तुम्हारा गला वहीं दबा देगी, पैदा ही नहीं होने देगी। इसलिए अपनी आदत को बदलो, हम सरकार में भी और हम पार्टी व्यवहारी सरकार कटिबद्ध है। ये नीचे के जो लोग हैं, विपक्षी जो भूमिका निभाने वाले लोग हैं, वही ऐसी रणनीति अपना रहे हैं। ये देश बदला है, श्रेष्ठ देश बनना है, लेकिन बैठने वाले लोग उस व्यवस्था से परेशान है, मोदी जी के सोच से परेशान है। हम सरकार के साथ सांसद भी है विनोद सोनकर जी, हम पूरा गंभीरता से आज ही चिंतन करेंगे, और हम आपके साथ है, आपकी लड़ाई अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट में वो खुद बैठे हैं, संसद में भी हम लोग पदाधिकारी है। इसलिए आज पूरी तरह से आपको सपोर्ट करने आए हैं, लेकिन बड़ी गंभीरता से आपको अपना, अपनी बात को रखने के तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। इसी बात के साथ आपकी अपनी बात को हम लोग भी, हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक जजमेंट है, उसमें SCM को जेल बना दिया, SDM को ना तहसील बना दिया, ये बहुत ही मानसिकता है, ये रोस्टर सिस्टम से जो पानी प्रणाली, अरे अभी तो हमारा बराबरी पर हम आए नहीं है, आरक्षण कोई ठीक नहीं है, हिस्सेदारी का सवाल है, बराबर
अपनाने का सवाल है, हमें बराबर तो आ जाने दो। उसी के लिए सरकार भी कटबद्ध है, भारत सरकार मोदी सरकार भी कटबद्ध है, हम पार्टी भी कटबद्ध है। इसलिए जो बीच के एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था है वो समय समय पर आपके साथ खेल करते रहते हैं, लेकिन उनको खेल को हम सफल नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।